Once again, hello बच्चों, hope you all will be fine. In the previous lecture, we have discussed till the carnivores. So, in today's lecture, we will cover all the remaining topic of the chapter number 1. So, we will start our lecture from the omnivore. So, in previous lecture, we have covered herbivore and carnivore. So now we will start omnivores. Okay. Now if we talk about omni word, then is this omni means dual. Omni means dual. जो omni word है इसका मतलब क्या होता है? Dual मतलब दो character होंगे इसके पास, दो features होंगे. ठीक है. अब बोरस मतलब eating habits, तो इसके पास दो eating habits होंगे. मतलब ये plant भी खा सकता है और एनिमल भी खा सकता है. तो ऐसे एनिमल जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ओमनीवोर. ठीक है, तो लिख लेंगे एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स नोन एज ओमनीवोर. ठीक है, क्या कहलाता है? ओमनी. उसको पूरा लिख लीजिएगा. ठीक, अब एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ह्यूमन. ह्यूमन क्या है? ओमनीवोर है. ठीक है, इसके अलावा हो सकता है आपका क्रो, बियर. ठीक है, इसके अलावा स्याही, जिसको हम सेई, वैसे आम भाषा में स्याही बोलते हैं लेकिन होता क्या है उसका प्रोनंसिएशन सेई. ठीक है, हेजहॉग. हेजहॉग, ठीक है, ये हेजहॉग को हिंदी में कहते हैं सेई. और मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं, स्याही के नाम से जानते हैं. मतलब चूहे जैसा होता है बिल्कुल ना, उसके ऊपर सरफेस पे क्या होता है, मतलब बिल्कुल नेल्स लाइक, मतलब कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, तो हेजहॉग क्या है? ये जंगली चूहा है जिसके वाइल्ड रैट होता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं? थॉर्न्स निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं. ठीक है, हेजहॉग हो गया. इसके अलावा डॉग हो सकता है. ठीक है, कैट एसेट्रा. सो ये सब सारे क्या है आपके? ओमनीवोर्स हैं. ह्यूमन, क्रो, बियर, हेजहॉग, डॉग, कैट एसेट्रा. बात क्लियर होगी? तो ओमनीवोर समझ में आ गया होगा. इसके एडॉप्टेशन की बात कर रहे हैं, क्या एडॉप्टेशन होता है? जैसे सामने बात किया तो इनमें एडॉप्टेशन क्या होता है? आप देखोगे हर्बीवोर और कार्निवोर में, तो उसमें देखा था हर्बीवोर में मोलर प्रीमोलर वेल डेवलप थे और कार्निवोर में उनके कैनाइन जो थे वेल डेवलप थे. अब जो ओमनीवोर है इनके मोलर प्रीमोलर भी वेल डेवलप होते हैं और कैनाइन भी क्या होते हैं? शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं. देखो हम लोगों का नुकीला होता है ना ये दांत, ऐसे डॉग का कभी देखोगे तो ये किनारे वाला दांत बहुत नुकीला होता है. ठीक है, और पीछे वाले जबड़े जो होते हैं, जो बचे हुए दांत हैं जबड़ों में, मोलर प्रीमोलर वो भी क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं. ऐसे अपना अपन लोगों का भी. ठीक है, तो हम लिख लेंगे कैनाइन एंड प्रीमोलर एज वेल एज मोलर्स आर वेल डेवलप्ड. हमारे अंदर क्या होता है? कैनाइन प्रीमोलर मोलर का होता है बहुत डेवलप्ड. देखो कैनाइन क्या है? कोई भी एनिमल होगा उसको चीरने या फाड़ने के लिए काम आएगा. मोलर प्रीमोलर जो भी हम मान लेते हैं सब्जी, मतलब जो भी ग्रास वास खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसको चबाना भी पड़ेगा सही से, तो इसके प्रीमोलर मोलर भी इनका क्या होता है? वेल डेवलप्ड होता है. बात क्लियर हो रही है? और जब आप सेवन्थ क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा काऊ का पूरा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, जिसको हम रूमिनेशन बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन आप फिफ्थ क्लास में पढ़ चुके, च्यूइंग द कर्ड वाला याद होगा ना. हाँ, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे सेवन्थ क्लास में. ठीक, अभी तो हमें एडॉप्टेशन याद रखना है बस. ये जो भी एडॉप्टेशन मैंने बताया उसको आप ध्यान से एक बार सुन ली होगे ना, याद हो गया होगा ना, उसको अपने ऊपर भी आप
चेक कर सकते हो ये सारी चीजें। मतलब साइंस तो सारी चीजें हैं जो आपके अराउंड हो रही हैं, वही सिस्टमेटिकली हम स्टडी करते हैं, वही कहलाता है साइंस ना। साइंस का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द सराउंडिंग। तो ये हमने देख लिया हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। अब कुछ रह गए हैं और एक्स्ट्रा ईटिंग हैबिट के बेसिस पे एनिमल को, एनिमल का क्लासिफिकेशन वो भी देख लेते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम लोग स्कैवेंजर। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं। अब ये थोड़ा हजम नहीं हुई वो बात, क्योंकि यही चीज किसमें आया था? कार्निवोर में आया था। बस कार्निवोर और स्कैवेंजर में एक बेसिक डिफरेंस है। कार्निवोर भी फ्लैश ही खाते हैं, स्कैवेंजर भी फ्लैश खाते हैं। बस कार्निवोर क्या करते हैं? मार के खाते हैं, स्कैवेंजर मरा हुआ खाते हैं। ठीक, तो कार्निवोर मारेंगे फिर खाएंगे, जैसे लॉयन ना टाइगर, वो पहले शिकार करता है फिर खाता है। स्कैवेंजर्स क्या होंगे? मरे हुए पे खाएंगे। आपने कहानी पढ़ी होगी द डंकीज ब्रेन ना, मोरल वैल्यूज में, तो उसमें था कि टाइगर होता है, टाइगर के साथ कौन होता है? फॉक्स होता है। तो टाइगर को बहुत मतलब उत्तेजित करता है शिकार करने के लिए, और जब टाइगर शिकार कर लेता है उसको बेवकूफ बना के जो लोमड़ी होता है वो खा जाता है। ठीक है, तो मारा किसने? टाइगर ने। ठीक, तो टाइगर मारेगा फिर खाएगा तो कहलाएगा कार्निवोर। और मरा हुआ अगर एनिमल है उस पे कोई फीड कर रहा है तो कहलाएगा स्कैवेंजर। तो स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल है होते हैं जो डेड एनिमल पे फीड करते हैं। ठीक है, तो स्कैवेंजर एनिमल भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकती, तो ये ऐसे लिखेंगे एनिमल्स और बर्ड्स दैट फीड्स अपॉन द डेड एनिमल्स। ठीक है, ऐसे एनिमल जो डेड एनिमल पे फीड करते हैं उन्हें स्कैवेंजर बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वल्चर हो जाता है आपका। ठीक है, वल्चर किस पे फीड करता है? जो भी मरे हुए पे रहते, देखा होगा जब भी सड़क के किनारे रोड एक्सीडेंट में कोई भी डॉग या फिर एनिमल बढ़ जाता है तो उस पे वल्चर्स वल्चर्स आ जाती है ना, क्रो देखोगे। इसके अलावा ये तो बर्ड हो गई, अगर एनिमल में आए तो आपको दिखेगा फॉक्स, अभी बात करी थी। इसके अलावा आपको हाइना दिखेगा, ठीक है। तो सियार और लोमड़ी ये सब किस पे करते हैं? जो भी एनिमल मरा हुआ होता है उस पे खाते हैं। देखो इनका भी रोल है इन्वायरमेंट में, मतलब ये इन्वायरमेंट में ना होते तो क्या हो सकता था, इस पे चर्चा कर लें। देखो अगर स्कैवेंजर दुनिया में ना होते तो जो भी एनिमल एक बार मरता क्या वो डिकम्पोज हो पाता? क्या वो खत्म हो पाता? नहीं खत्म हो पाता। तो ये क्या कहते हैं? जो भी एनिमल होता है डेड एनिमल उसको क्या कर देते? बिल्कुल खत्म कर देते खा के। अब खा के खत्म करेंगे तो इन्वायरमेंट क्या हो जाता है? क्लीन। इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? क्लीन। जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया किसी डॉग का, अब जब भी उधर से जाते हो तो क्या फाउल स्मेल निकलता है, बदबू आती है। अगर ये एनिमल्स वहां पे गए उसको खा लिए क्या बदबू आएगी? नहीं आएगी। वो एरिया साफ हो जाएगा? हाँ साफ हो जाएगा। तो स्कैवेंजर्स हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। किसमें हेल्प करते हैं? इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। अब जो भी एनिमल मरा है, ठीक है, अगर स्कैवेंजर ना खाते तो क्या होता? गंद बदबू आती, बदबू के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी उससे प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, हाँ। तो एनिमल स्कैवेंजर क्या करते हैं? दे हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट एज वेल एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। ये क्या करते हैं? इन्वायरमेंट क्लीन करते हैं और प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, हमें प्रिवेंट करते हैं किससे? कि मतलब किसी भी इन्फेक्शन से।
अरे अगर पड़ा रहेगा तो इन्फेक्शन होगा नहीं होगा। तो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं और क्या करते हैं, हमें प्रिवेंट करते हैं किससे, इन्फेक्शन से। ठीक है, इन्फेक्शन से बचाते ताकि इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन लिख लो, डिसीज लिख लो, ये तो समझ में आएगा, ये बात समझ आया। तो डिसीजेस से बचाते हैं, इन्वायरमेंट क्लीन करेंगे तो बैक्टीरिया सब खत्म हो जाएंगे तो डिसीज भी नहीं होगा। तो ये बात थी किसकी, इसके वेंजर्स की। एग्जाम्पल याद रखेंगे, ये सारी चीजें याद हो गई। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कैनिबल्स। अगला क्या है, कैनिबल्स। अब देखो कैनिबल्स पहली बार, इसके वेंजर्स नाम आप सुन चुके होंगे, कैनिबल्स है ये पहली बार आप नाम सुनोगे। देखो कैनिबल्स क्या होता है, मतलब अपने ही जैसे लोगों को खा लेना, अपने ही जैसे लोगों को खा लेना कहलाता है कैनिबल्स। जैसे स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर स्पाइडर को ही खा जाता है, ड्रैगन फ्लाई की बात करें तो ड्रैगन फ्लाई को ही खा जाता है। इवन बहुत सारी कंट्रीज में ह्यूमन ह्यूमंस को खा जाते हैं, जैसे ह्यूमन है मर गया तो उसको खा जाते हैं। जैसे मैं एक कंट्री का नाम बताऊंगा, युगांडा। बाकी आपको इसको होमवर्क रहेगा, इसको खोजना है आपको कौन कौन सी और कंट्रीज है जिसमें ह्यूमन कैनिबलिज्म होता है। देखो कैनिबल्स क्या होते हैं, फीडिंग हैबिट है। ठीक है, हाँ कैनिबलिज्म प्रोसेस है कैनिबल्स की। ठीक है, तो ह्यूमन कैनिबलिज्म आपको ढूंढना है कि कौन कौन से कंट्रीज में ह्यूमन कैनिबलिज्म है जिसपे कोई भी लॉ नहीं है। एक तो मैंने बता दी युगांडा, युगांडा में कोई लॉ नहीं है, आप अगर ह्यूमन मर गए तो उसको खा भी सकते हैं। ठीक है, तो कैनिबल्स क्या होता है, कैनिबल्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने ही स्पीसीज के एनिमल्स को खा जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कैनिबल्स। ठीक है, तो हो जाएगा एनिमल्स दैट फीड्स अपॉन इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ऑन काइंड। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जो अपने ही जैसे एनिमल को ही पे फीड करते हैं या मार के खा जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कैनिबल्स। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल सबसे बढ़िया होता है स्पाइडर। क्या है, स्पाइडर। इसके अलावा होता है ड्रैगन फ्लाई। क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई। तो स्पाइडर कभी भी देखोगे जो मकड़ा होगा वो दूसरे मकड़े को मार के खा जाएगा। ठीक है, वहीं से वो अपना नरिशमेंट लेता है। ठीक, तो कैनिबल समझ में आया, तो कैनिबल अपने ही जैसे मतलब एनिमल्स को ही मार के खा जाना कहलाता है कैनिबल्स। ऐसे ह्यूमन कैनिबलिज्म होगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कैनिबलिज्म। तो ह्यूमन कैनिबलिज्म मतलब ऐसे ह्यूमंस जो दूसरे ह्यूमंस पे फीड करेंगे वो ह्यूमन कैनिबलिज्म कहलाएगा। तो ह्यूमन कैनिबलिज्म कहाँ पाया जाएगा, युगांडा। बाकी आपको होमवर्क में दे दिया है। ठीक है, ढूंढना कंटेस्ट में, तो ये राइट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे दो और बचे हुए जो फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन थे एनिमल के, दो क्लासेस और बची हैं अपनी। पहली है डीकम्पोजर और अगला पढ़ेंगे पैरासाइट। पहले डीकम्पोजर्स कंप्लीट करते थे। वो डीकम्पोजर्स जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट या फिर एनिमल पे फीड करते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं डीकम्पोजर्स। देखो ये जो डीकम्पोज, देखो वर्ड है, देखो इसमें एक वर्ड है कंपोज। ठीक, कंपोज मतलब होता बनाना और कंपोजर मतलब बनाने वाला। जैसे म्यूजिक कंपोजर जो म्यूजिक बनाने वाला है उसे बोलेंगे म्यूजिक कंपोजर। जो फिल्म बनाएगा फिल्म कंपोजर, जो ट्रिक बनाएगा ट्रिक कंपोजर, जो स्टडी को बनाया होगा वो क्या कहलाएगा, जो साइंस को बनाया होगा वो क्या कहलाएगा, साइंस कंपोजर। ऐसे कंपोजर मतलब बनाने वाला, आगे डी लगा दिए तो खत्म करने वाला। कंपोजर मतलब बनाने वाला, डी कंपोजर मतलब खत्म करने वाला। जैसे हमें बनाने वाला कौन है, भगवान। तो भगवान हमारा कंपोजर, और हमें खत्म कौन करेगा, जो भी बैक्टीरिया बन जाए हैं तो वो क्या हुए, डी कंपोजर। बात क्लियर, हमें बनाने वाला कौन, भगवान। तो भगवान कंपोजर।
बैक्टीरिया वायर और जो भी फंजाई होंगे हमें मरने के बाद वही खत्म करेंगे ना। बनाया भगवान ने कंपोजर, खत्म किया बैक्टीरिया वायरस ने, तो कहलाए डी कंपोजर। तो कंपोजर के आगे डी लगा दोगे तो मतलब खत्म करने वाला। तो डिकम्पोजर्स ऐसे एनिमल होते हैं जो डेड प्लांट और एनिमल पे फीड करते हैं। जैसे मैं मर गया, ठीक है, तो होगा क्या, जो भी बैक्टीरिया फंजाई होंगे मेरे ऊपर लगेंगे और मेरा बचा हुआ जितना भी मसल्स है, जितने भी मिनरल्स है, सारे मिनरल्स को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे करते हैं अभी देखेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे बिल्कुल क्या कर देंगे, धीरे 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 गला देंगे और मेरा पूरा बॉडी, पूरा जितना मिनरल होगा सारे एब्जॉर्ब कर लेंगे, मेरी बॉडी पूरी गल के खत्म हो जाएगी। ठीक, इन्वायरमेंट भी क्लीन हो गया और जो मिनरल था फिर से रिसाइकल हो जाएगा, बैक्टीरिया के पास जाएगा, फिर बैक्टीरिया से सॉइल में जाएगा, सॉइल से फिर से प्लांट में, प्लांट से एनिमल खाएगा, ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। ठीक, तो डिकम्पोजर का भी रोल होता है, जैसे स्कैवेंजर का है, डिकम्पोजर भी किसमें हेल्प करते हैं, इन्वायरमेंट के क्लीनिंग में और साथ साथ मिनरल के रिसाइकलिंग में। ठीक है, समझाऊंगा मैं। तो डीकंपोजर पहले लिख रहे थे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म्स दैट फीड्स अपॉन डेड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, ये इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं रोड साइड पे फिर से डॉग मराए। ठीक, आप ये बस सोच रहे हैं सर बार बार डॉग ही मर रहे हैं, चलो कोई भी एनिमल ले लेना, लेकिन अभी मैं डॉग ले रहा हूँ। ठीक है, जनरल तो डॉग मरा। अब डॉग का जब अच्छा खासा दिख रहा था, तगड़ा दिख रहा था मरने के बाद, ठीक है, बिल्कुल फूला हुआ, तो बड़े बड़े एनिमल्स आए, बड़े बड़े एनिमल्स कौन, स्कैवेंजर्स आए, वो खाए। अब बिल्कुल थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, अब उसको तो वो खाते नहीं है, उसको साफ कौन करता है, उसको साफ करते हैं कौन, डिकम्पोजर्स। अब बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया फंजाइज उस पे लग जाएंगे और निकालेंगे एंजाइम, एंजाइम निकालेंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद पूरा मिनरल एब्जॉर्ब, ठीक है, पूरा मिनरल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अभी वो भी देखेंगे, बस पहले ये समझ लो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेड, डेड मतलब मरा हुआ, डिकेड मतलब सड़ा हुआ, तो डेड और डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जैसे मरा तो मरने के बाद जो प्लांट्स और एनिमल्स का, मरने के बाद प्लांट्स और एनिमल्स का जो सड़ा भुला वाला पार्ट बचा उस पर फीड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। तो स्कैवेंजर्स बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं और डिकम्पोजर्स बहुत छोटे होते हैं, तो डिकम्पोजर्स आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड स्कैवेंजर्स आर लार्ज ऑर्गेनिज्म। जैसे हाइना है, वल्चर है, बड़े बड़े होते हैं ना, और डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई, क्या आपको दिखाई देता है बैक्टीरिया, नहीं दिखाई देता, वो छोटे होते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक, तो डिकम्पोजर कौन होता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब देखो डिकम्पोज कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये रिमेन्स होता है इसका बचा हुआ भाग, तो यहाँ पे आपने बैक्टीरिया ये लगा, ठीक, बैक्टीरिया लगा, अब बैक्टीरिया निकालेगा एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीनिशियस सब्सटेंस होता है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीनिशियस सब्सटेंस होता है जो कि निकलता है और चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराता है। जैसे अपने अंदर भी एंजाइम है, ठीक है, पेट में एससीएल होता है, एससीएल के साथ साथ एंजाइम निकलता है, जो भी तुम खाते हो एंजाइम क्या करता है, उसके डाइजेशन के रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। बात नहीं समझ आई, नहीं आई, चलो सुनो। देखो जब भी हम खाना खाते हैं तो होता क्या है, मीन्स हार्डली 4 से 5 घंटे में खाना बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है। ये किसकी मदद से होता है, एंजाइम की मदद से। तो डाइजेशन प्रोसेस जो है, अभी अगले चैप्टर में हम देखेंगे थोड़ा बहुत, डाइजेशन प्रोसेस जो है वो होता तो खुद है, होता तो खुद है, लेकिन उसका रेट बहुत स्लो होता है। मतलब अगर एंजाइम ना होता अपने शरीर में, तुम खाना खाते तो डाइजेशन तो होता, लेकिन लग जाता 50 साल, लग जाता 50 साल। लेकिन अगर एंजाइम है, जैसे तुम खाना खाए, खाना गया पेट में, अब पेट में एंजाइम निकला, तो करेगा क्या, जो डाइजेशन प्रोसेस है उसके रेट को बढ़ा देता है, उसके रेट को बढ़ा देता है। तो एंजाइम क्या कर देता है, डाइजेशन के रेट को बढ़ा देता है ना। तो सिंपल ये भी समझ सकते हो कि डाइजेशन करता है, तो जैसे एंजाइम निकालेगा तो चीजों को डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेशन मतलब होता क्या है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे
टुकड़ों में तोड़ देना, कहलाता है क्या? डाइजेशन। तो ये एंजाइम निकाला, ये क्या है? एंजाइम। ठीक है, एंजाइम निकाला, ये क्या था? बैक्टीरिया। एंजाइम निकाला, एंजाइम से क्या होगा? ये चीजें यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएंगी, डाइजेस्ट होने के बाद ये लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में जो चीजें थी यहाँ पे कैसे हो जाएंगी? लिक्विड फॉर्म में। अब इसको एब्जॉर्ब कर लेगा बैक्टीरिया, अब इसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा बैक्टीरिया। तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स रहा होगा इस एनिमल के मरने के बाद इसके अंदर, ठीक है, तो वो कौन लिक्विड फॉर्म में कौन एब्जॉर्ब कर लिया? बैक्टीरिया। ये बात क्लियर हुई? न्यूट्रिएंट्स तो पढ़ी रखा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब पढ़ रखा है ना? हाँ, प्रोटीन्स ये सब पढ़ रखा है। तो ये एंजाइम निकाला, एंजाइम से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है डाइजेस्ट हो जाएंगे और पूरा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे ही फंजाइज होते हैं, फंजाइज यहाँ पे लगेंगे, ठीक है, ये भी एंजाइम निकालेंगे, ठीक है, ये भी एंजाइम निकालें, फिर से डाइजेस्ट करेंगे और ये भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फंजाइज के बाद रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, फंजाइज के पास रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम क्या बोलते हैं? माइसीलियम, ठीक है। इस माइसीलियम की मदद से ये लिक्विड वाला जो पोर्शन बना उसको कौन का एब्जॉर्ब कर लेगा? फंजाइज एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, बात क्लियर हो? तो फंजाइज क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब आगे क्या होगा? ये फंजाई जो ये लिक्विड को एब्जॉर्ब किया, मतलब जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया, फर्दर वो सॉइल में जाएगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के लेवल को बढ़ाएगा। अब सॉइल में न्यूट्रिएंट आया, सॉइल से न्यूट्रिएंट कौन लेगा? फंजाई से कहां गया? सॉइल में। सॉइल से कहां गया? प्लांट में। प्लांट को कौन खाया? एनिमल। अब एनिमल के मरने के बाद फिर से मिनरल किसके अंदर गया? फंजाई के अंदर, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है, मिनरल लगातार सर्कुलेट कर रहता है, फंजाई से सॉइल, प्लांट, फिर एनिमल, फिर ऐसे लगातार सर्कुलेट कर रहा है। देखो साइकिल बन गई, जैसे वाइट वाटर साइकिल बनती है वैसे मिनरल साइकिल बन गई। तो मिनरल की रिसाइकिलिंग हो रही, नहीं हो रही है? हो रही है। अगर फंजाई ना होता तो एनिमल का मिनरल ऐसे ही पड़ा रहता, क्या सॉइल में जा पाता, क्या प्लांट को मिल पाता? तो साइकिल मेंटेन ना हो पाती और जो मिनरल है वो रिसाइकिल ना हो पाता, मिनरल फिर से वापस प्लांट से एनिमल के अंदर ना आ पाता, ठीक है। तो डीकम्पोजर हेल्प करते हैं पहले तो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, उसके साथ साथ किसमें हेल्प करते हैं? मिनरल रिसाइक्लिंग में। किसमें? मिनरल रिसाइक्लिंग में, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लिख लेंगे, पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट ये हो गया, इसको बना लेंगे, ठीक। ये तो डाइजेशन का, डाइजेशन ये भी बना लेना, मिनरल रिसाइक्लिंग, रिसाइक्लिंग। ये क्या है? ये है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, ठीक है, डीकम्पोजिशन। अब जो डीकम्पोजर, डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जो भी डेड डिकेड प्लांट है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे क्या? यही पॉइंट लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा, क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया एंड फंजाई रिलीजेस एंजाइम्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स which help in digestion of nutrients nutrients which help in digestion of nutrients further तो enzyme निकालेंगे nutrients को digestion में help करेगा further the nutrients are converted into लिक्विड फॉर्म विच इज एब्जॉर्ब बाय द बैक्टीरिया, विच इज एब्जॉर्ब बाय द बैक्टीरिया और फंजाई, और चाहे बैक्टीरिया अगर रहे वहां पर तो बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करेगा, फंजाई है तो
फंजाई एब्जॉर्ब करेगा। आगे ब्रैकेट में लिखेंगे फंजाई किसकी मदद से एब्जॉर्ब करते हैं, माइसीलियम। फंजाइज हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम स्पेलिंग देखना MYCELIUM, ठीक है, माइसीलियम। तो फंजाई है रूट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज माइसीलियम विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में जो हेल्प करते हैं, ठीक। तो ये बात समझ में आई डीकम्पोजर के बारे में। अब डीकम्पोजर का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, मतलब क्या रोल है एनवायरमेंट में। तो रोल देख लेते हैं, रोल इसके नीचे लिख लेना, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ। तो रोल देख लेते हैं, पहला रोल क्या था, एनवायरमेंट को क्लीन करेगा। इट हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। तो पहला एनवायरमेंट को क्लीन किया। दूसरा क्या रोल है, मिनरल रिसाइकलिंग। और मिनरल रिसाइकलिंग होगा तो फिर क्या होगा, लगातार मिनरल सर्कुलेट करता रहेगा एनिमल टू एनिमल। तो डिकम्पोजर किसमें हेल्प करते हैं, मिनरल्स रिसाइकलिंग में। लिख लेंगे अगला पॉइंट, डिकम्पोजर्स आल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन मिनरल रिसाइकलिंग। मिनरल रिसाइकलिंग, ठीक है। तो जो डिकम्पोजर होते हैं ये भी क्या करते हैं, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं मिनरल रिसाइकलिंग के में, ठीक है। अगर ये फंजाई ना होता, क्या मिनरल रिसाइकलिंग हो पाती, नहीं हो पाती। तो इनकी बहुत अहम भूमिका होती है मिनरल रिसाइकलिंग, ठीक। तो ये डिकम्पोजर देख लें, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग पैरासाइट पर। लिख लें
सेंट्रल। तो ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड और सेंटर के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन लोगों को देखें तो अपन लोगों की मम्मी पापा के ऊपर पैरासाइट है, खाना भी उन्हीं से ले रहे हैं और रह भी उन्हीं के घर ही में रहे, सेंटर मतलब छत, ठीक है, रह भी उन्हीं के घर में रह रहे हैं और खाना भी उन्हीं से ले रहे हैं, तो अपन लोग हुए पैरासाइट मम्मी पापा के ऊपर, ठीक है। हम पैरासाइट हुए तो मम्मी पापा हमारे लिए क्या हुए, होस्ट, क्या हुए, होस्ट, ठीक है। तो ये पैरासाइट कहलाएंगे। होस्ट की बात कर लें तो एनिमल्स ऑन विच पैरासाइट लिव्स, ऐसे एनिमल जिसमें पैरासाइट रहता है नोन एज होस्ट, क्या कहलाएगा, होस्ट। तो हम पैरासाइट मम्मी पापा के ऊपर, मम्मी पापा हमारे लिए क्या हुए, होस्ट। तो जहां से पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन लेगा उसे हम क्या बोलेंगे, होस्ट, ठीक है, पक्का। तो अब पैरासाइट का फर्दर हम देख लेते हैं क्या क्या और फंक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट डालता होगा किसके ऊपर, अपने होस्ट के ऊपर। देखो पैरासाइट क्या करता है, होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है। अब न्यूट्रिशन लेगा तो होस्ट क्या होता जाएगा, कमजोर। जैसे एक मान लेते बॉटल है, ठीक है। अब बॉटल से अगर बॉटल में हम पानी लगातार भर रहे हैं और एक साइड से आप बॉटल में होल्ड करके रखा पानी निकल रहा है, तो एक तरफ से पानी डाल रहे दूसरे साइड से पानी निकल रहा है, क्या पानी रुकेगा, नहीं रुकेगा। ऐसे ही अपन लोग भी है, जैसे मान लो हमारे ऊपर कोई पैरासाइट आ गया, ठीक है, हम खाना खा रहे सारा न्यूट्रिशन कौन ले रहा है, पैरासाइट, तो क्या होगा, हमारा न्यूट्रिशन कहाँ चला जाएगा, पैरासाइट के पास। क्या हमारा ग्रोथ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसीलिए जू रहता है तो ब्रेन डेवलप नहीं होता है, ठीक है। एक एडवर्टाइज भी देखा होगा मेडिकल का, ठीक, तो मेडिकल में होता गया था उसके जू रहते थे, तो खुजलाते, जब टीचर क्वेश्चन पूछता था तो खुजलाती रह जाती थी, भूल जाती थी। जब उसने मेडिकल शैम्पू लगाना शुरू किया तो होता गया था जू गायब हो गए। तो फिर जो भी न्यूट्रिशन है ब्रेन साइड का वो ले नहीं पाएगा, कोई ले नहीं पाएगा, तो ब्रेन में रह जाएगा तो इंटेलिजेंट हो जाएगा बंदा जो भी होगा। बात क्लियर हो रही है। तो होस्ट क्या करते हैं, पैरासाइट क्या करते हैं, अपने होस्ट को वीक कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वीक तो कर देंगे, अब सोचो वीक होते 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 मैं मर भी तो सकता, अगर मेरे ऊपर कोई पैरासाइट है, ठीक है, मैं वीक होता जाऊंगा मैं मर भी तो सकता हूँ। लेकिन खास बात याद रखेंगे, जो पैरासाइट होंगे वो क्या करेंगे, बस उतना ही न्यूट्रिशन लेंगे ताकि मैं जिंदा रह सकूं। नहीं समझे, जो पैरासाइट है वो उतना न्यूट्रिशन हमारे अंदर छोड़ देंगे ताकि मैं जिंदा रह सकूं, मतलब मुझको मरने भी नहीं देंगे और मुझे अच्छे से डेवलप भी होने नहीं देंगे। तो पैरासाइट अपने होस्ट को वीक कर देगा बट मरने नहीं देगा, ठीक है। तो पैरासाइट मेक इट्स होस्ट वीक बट इट डू नॉट किल्स इट्स होस्ट। तो पैरासाइट अपने होस्ट को वीक कर देगा लेकिन अपने होस्ट को मरने नहीं देगा। क्यों मरने नहीं देगा, सोचो अगर मेरे ऊपर ये रह रहा है तो अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैं मर गया तो वही तो मर जाएगा, तो अपने होस्ट को मरने नहीं देता ताकि ये इसको लाइफ लॉन्ग न्यूट्रिशन मिलता रहे, ठीक है। एग्जांपल की बात, तो पहले तो एग्जांपल बाद में देखेंगे। देखो पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, ऐसे बना लेंगे पैरासाइट, देखेंगे थोड़ा नीचे लिखिएगा, गंदा मत करिएगा, बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा। पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, इधर मैं लिख दूं तो आपको गंदगी मचा दोगे, ठीक है। पैरासाइट इसी नीचे लिखेगा, पैरासाइट दो तरीके के होते हैं। अब जो पैरासाइट है वो या तो हो सकता है बॉडी के अंदर रहे या तो बॉडी के बाहर, तो जैसे जू है, ठीक है, और टिक्स है जो डॉग के ऊपर लगते हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं ना, तो उनको बोलेंगे एक्टो पैरासाइट, क्या बोलेंगे, एक्टो पैरासाइट। और अगर पैरासाइट बॉडी के अंदर है तो कहलाएगा इंडो पैरासाइट। देखो तो पैरासाइट दो तरह के पैरासाइट हो गए,
ऊपर, ठीक है, एक्टोडर्म में रहते हैं, मतलब स्किन पे रहते हैं, तो कहलाएंगे एक्टोपैरासाइट। बात क्लियर हो रही? तो एक्टोपैरासाइट जो ऊपर है वो एक्टो, और जो अंदर है वो एंडो। एक्टो का एग्जांपल की बात करें तो पहला हो जाएगा लूज, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? लूज के अलावा हो सकता है आपका लीच, ली या फिर बोले लीचेस, लीचेस मतलब जोंक जिसे बोलते हो, जो भी पैरासाइट होता है चिपक जाता है तो छोड़ता नहीं, पूरा खून सब कर लेता है, ब्लड सब करता रहता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? टिक्स, ये भी एक्टो है, ठीक है। तो ये कुछ एक्टो पैरासाइट की बात है। अब एंडो पैरासाइट पे आते हैं। एंडो पैरासाइट में क्या क्या हो सकते हैं? हमारे अंदर होता है टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ठीक है, और इसके अलावा हो सकता है हुक वॉर्म। तो ये सब सारे क्या हैं? एंडो पैरासाइट। अमीबा भी हो सकता है, हमारे अंदर होता है एंडो पैरासाइट के तरीके, ठीक है। तो टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म। अब जो टेप वॉर्म है इसका साइज कितना हो सकता है? इसका साइज वेरी कर सकता है 1 मिलीमीटर से 15 मीटर तक, मतलब टेप वॉर्म जो है 1 मिलीमीटर से 15 मीटर तक हो सकता है। इसको हिंदी में कहते हैं फीता क्रिमी। क्या बोलते हैं? फीता क्रिमी। फीता क्रिमी का जो साइज है 1 मिलीमीटर से 15 मीटर तक हो सकता है। नॉर्मली जो हमारे अंदर पाया जाता है वो लगभग 7.5 मीटर तक का होता है। कितने मीटर का? 7.5। साइज कहाँ से वेरी कर सकती है? 1 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर। लेकिन जो जनरली हमारे बॉडी के अंदर होता है मेच्योरिटी पे, वो होता कितना है? 7.5 मीटर का लगभग। बात क्लियर हो? 7.5 मीटर का फीता जैसा होता है, आपके मुंह में बना होगा ऐसे। इसको थोड़ा और कर लो ऐसे, बना हो ना टेपो, देख लेना। तो एंडो और एक्टो पैरासाइट हो गए, ठीक। अब एक पॉइंट आपके साइंस बुक में दिया होगा, क्या साइंस इन कॉन्टेक्स्ट में दिया होगा कि जो आंट है वो अकेसिया बबूल पे क्या होती है, मतलब बोले तो उसके साथ रहती है, सिम्बैटिक एसोसिएशन शो करती है। क्या शो करती है? सिम्बैटिक एसोसिएशन। सिम्बैटिक एसोसिएशन 7th क्लास में हम लोग देखेंगे जब लाइकेन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सिम्बैटिक एसोसिएशन क्या होता है कि दोनों को फायदा होगा। यहाँ पैरासाइट रह रहा है तो केवल पैरासाइट को फायदा है ना, होस्ट को नुकसान पहुंच रहा है। सिम्बैटिक एसोसिएशन में दोनों को फायदा होगा, पैरासाइट को, मतलब अगर पैरासाइट होस्ट देखे तो पैरासाइट को भी फायदा होगा, होस्ट को भी फायदा होगा। तो पैरासाइट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा सिम्बैटिक एसोसिएशन, मतलब जिसमें दोनों एनिमल्स का या प्लांट्स का या फिर प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों का फायदा हो। तो ऐसा एसोसिएशन ना, ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों का फायदा हो वो कहलाएगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसे बात करें आंट और अकेशिया, अकेशिया मतलब बबूल। होता क्या है, जो आंट होती है बबूल के पेड़ पे रहती है, ठीक है। अब आंट क्या करती है? अकेशिया को प्रिवेंट करती है एनिमल जो भी हर्बीवोर है। हर्बीवोर जब भी आएंगे उन आंट होगी तो खाएंगे नहीं, मान लो खाते भी आंट चले गए तो उनको क्या करेंगे? बिल्कुल परेशान कर देंगे। ऐसे ही क्या होते हैं जो बबूल्स होते हैं वो ज्यादातर हाथी खाते हैं, एलिफेंट्स खाते हैं। तो आंट रहेगा क्या, एलिफेंट जाएगा? नहीं जाएगा। एलिफेंट जाता तो उसके सूंड में घुस जाती है। तो देखो बबूल को आंट ने प्रिवेंट किया, देखो कुछ फायदा दिया उसको। अब उसके बदले क्या करेगा, जो बबूल है वो आंट को फायदा देगा। फायदा क्या देगा? उसको रहने के लिए जगह देता है, रहने के लिए जगह देता है। तो उसके बार के बीच में ये जो आंट रहती वो रहती है। इसके साथ साथ बबूल को और भी प्रिवेंट करता है, किससे? जो भी हुक, मतलब बोले तो स्टिक, जो भी बर्ड्स और इंसेक्ट होते हैं क्या करने वाले, होल करने वाले, ठीक है, उनसे भी प्रिवेंट करता है। तो बबूल के पेड़ में होल भी नहीं होने वाला, ठीक। इससे क्या, इन्फेक्शन से प्लांट बच जाते हैं। तो ये पूरी बात थी चैप्टर नंबर 1 की। तो आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है फाइनली। इसके अलावा आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे क्या क्वेश्चन और आंसर और जो भी एक्सरसाइज है, वैसे एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, पहले भी होमवर्क दे रखा हुआ है। अब क्वेश्चन आंसर मैं PDF में भेज दूंगा आपको, ठीक है। इसके साथ साथ ये समरी जो है इसको इसको आपके कॉपी में लास्ट, मतलब जहां पे खत्म हुआ होगा वहां पे आपको इसको ड्रॉ करना है। साथ साथ इसको रफ कॉपी में 2 बार बिना देखे, एक बार इसको ऐसे समझ लीजिए फिर बिना देखे 2 बार बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आज के आज सेंड करना है, ठीक है। अगर नहीं सेंड करेंगे तो अटेंडेंस पूरे सप्ताह की खत्म हो जाएगी।
क्लियर, चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, चैप्टर नंबर 2 में. ओके, सो स्टे होम एंड बी सेफ. थैंक यू.